स्वागत है दोस्तों आपका मास्टरिंग रेसिपीज में। मैं हूं प्रतीक और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। आज हम बनाएंगे मशरूम की सब्जी। मशरूम की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए फ्रेश मशरूम। सफेद से सफेद मशरूम सबसे फ्रेश होता है, तो इन सफेद 200 ग्राम मशरूम्स को लीजिए, अच्छी तरह से धो लीजिए और उसे 3 या 4 हिस्सों में काट लीजिए। मशरूम को काटने के बाद शायद अंदर से मशरूम काले कलर का दिखे, चिंता की बात नहीं है, ये नेचुरल होता है, नॉर्मल होता है, वो अच्छा ही मशरूम होता है। सिर्फ ध्यान दें कि मशरूम की बाहर का कलर सफेद है। मशरूम की सब्जी बनाने के लिए और हमें चाहिए जो हमने काट के साफ करके काट के लिए हुए ये मशरूम है, उसे लीजिए। एक टमाटो, 2 कटे हुए प्याज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालिए। इस तेल में जीरा डालिए। उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए और सौते कीजिए। इससे मशरूम को एक अच्छा जिंजर गार्लिक का स्वाद आ जाता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट सौते होने के बाद उसमें प्याज मिलाइए। प्याज को भी अच्छी तरह से भून लीजिए। उसमें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। जैसे कि हमने कम तेल का इस्तेमाल किया है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला रहा हूँ। सब चीजों को एक बार अच्छी तरह से भून लीजिए। भूनने के बाद इसमें टमाटो डालिए। आप चाहे तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हो। थोड़ा सोते होने के बाद इसमें कटे हुए मशरूम्स डालिए और अच्छी तरह से भून लीजिए। इसमें हमें मिलाना है 1.5 से 2 चम्मच नमक, जो आपके स्वाद अनुसार है। थोड़ा पानी मिला के इसे ढक दीजिए। इसे हमें 7 से 8 मिनट तक पकाना है। मशरूम्स बहुत ही वैसे जल्दी पकते हैं, तो 7-8 मिनट काफी है। आखिर में इसमें धनिया के पत्ते मिला लीजिए और लीजिए तैयार हो गई मशरूम की सब्जी। ये मशरूम की सब्जी चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मास्टरिंग रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।